नमस्कार एवरी वन एंड थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए हैं थैंक यू या एक्चुअली लिटिल नर्वस बट वाई आई डोंट नो सो कोर्स अगेन थैंक्स आरजी बी सर बिकॉज माई करियर स्टार्ट वंगा विटी एज अ एक्टर न्यू जब मैं बॉम्बे आई थी सो आई थिंक आर जी बी सर बहुत सारे न्यू टैलेंट को इंडस्ट्री में दिया है एग्ज़ाम्पल uh, बहुत है उर्मिला मैम आफ्ताब एंड बहुत सारे डायरेक्टर डी ओ पी सो आर जी बी हीरो सब कहते हैं बट uh, उन्होंने जब ऑडिशन दिया था मुझे नहीं पता था कि मैं कितने कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ देन uh, उसके बाद ऑलवेज चैलेंजिंग चैलेंजिंग कैरेक्टर उन्होंने बिलीव किया है अगर मैं आउटसाइड काम करती हूँ तो कहीं ना कहीं उनके प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के वजह से uh, मुझे काम मिल रहा है तो उसके लिए मैं थैंक यू सर बोलूँगी कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आई I मीन mean, लगा था कि परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है बट प्रोजेक्ट करते करते देन मैंने बहुत स्टडी किया है आपके साथ थैंक यू सर सो डेंजर इज कतरा माई स्टम या थोड़ा लेसबियन कैरेक्टर था मैं थोड़ी नर्वस थी बिकॉज ऐसे कैरेक्टर प्ले करने के लिए माइंड स्ट्रांग होना चाहिए खुद को स्ट्रांग होना चाहिए बिकॉज एक्टर के साथ रोमांस करना इजी है बट एक गर्ल्स के साथ रोमांस करना वो भी फुल फिल्म है थोड़ा टफ था एंड कोर्स लव स्टोरी मीन्स रोमांस तो रहेगा अगर एक्टर के साथ रोमांस हो सकता है तो गर्ल्स के साथ क्यों नहीं बट uh, मेरे फ्रेंड्स मेरे फैमिली सपोर्ट के एज एक्टर तुम्हें ऑल कैरेक्टर प्ले करना चाहिए अपने आप को रिसर्च करना चाहिए कि तुम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो अगर तुम एक्टर के साथ कर सकते हो तो गर्ल्स के साथ क्यों नहीं और अफकोर्स uh, लेसबियन मेरे फ्रेंड्स गे भी हैं होमो भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो फर्स्ट स्टार्टिंग मुझे उनके फीलिंग्स कोर्स मैं रेस्पेक्ट करती हूँ मैंने इतना सीरियस नहीं लिया बट डेंजरस कतरा के बाद मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ उनके फीलिंग्स को बिकॉज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ब्रेकअप होता है बट लेसबियन होमो में उनके जो स्ट्रांग फीलिंग्स है वो कभी ब्रेकअप नहीं होता है आई थिंक uh, वो अपने ऑपोजिट पार्टनर पार्टनर को बहुत बहुत लव करता है एंड क्राई करता है बट एक बॉयफ्रेंड सडनली ब्रेकअप करके गर्लफ्रेंड के पास जाता है या गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके बॉयफ्रेंड तो चेंज करता है बट लेस्बियन कभी अपने फीलिंग्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करता है वो अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करता है तो uh, ये डेंजरस कचरा एक्टिंग करने के बाद मैंने बहुत कुछ फील किया है कि अफकोर्स उनके जो फीलिंग्स है वो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं हैं बट न्यू जेनरेशन सपोर्ट करता है और उनको फ्रेंड के हिसाब से ही देखता है बट जो ओल्ड माइंड है अभी भी उनको अलग जोन पे रखता है सो आई थिंक मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं और अप्सरा ऐसे कैरेक्टर प्ले किया है कि एल uh, जी को हम लोगों ने सपोर्ट किया है और आई थिंक जो न्यू जनरेशन है वो भी uh, बहुत सपोर्ट करता है बाकी रहा अप्सरा हम लोग बिफोर फ्रेंड थे प्रोजेक्ट uh, के पहले हम लोग मस्ती करते थे कॉमेडी करते थे बट ये नहीं पता था कि हम लोग uh, एक साथ काम करने वाले तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सवाल किया गया था कि ए हम लोग कैसे रोमांस किए कैसे कंफर्टेबल हुए जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो अगर फ्रेंडशिप रहता है तो इजीली काम हो जाता है वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो कोई और एक्ट्रेस होता तो मुझे नहीं पता आ, ये प्रोजेक्ट अफसरा ने मुझे चॉइस किया था बट जब मैंने उसके साथ परफॉर्म किया देन मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ क्योंकि हमारे बीच में फ्रेंडशिप बहुत है एंड हम लोग सोचते थे कि बॉयज़ को हीरो को टक्कर देंगे बिकॉज कहीं ना कहीं सबको लगता था कि हीरो सिर्फ रोमांस कर सकता है बट हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि दो गर्ल्स भी रोमांस कर सकता है आई थिंक बेटर तो कहीं कही ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट था हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी था आई I मीन mean, हीरो के बिना टू गर्ल्स और वो भी फाइटिंग सीन रोमांस सीन बहुत सारे तो कहीं ना कहीं हम लोग से जितना हंड्रेड परसेंट हो सका हम लोगों ने परफॉर्म किया है उसके बाद ऑफकोर्स ऑडियंस के ऊपर है एंड मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप लोग लेजबियन होमो जो भी है उनको प्लीज़ आप लोग नॉर्मल इंसान की तरह देखिए थैंक यू सो मच एंड एट अप्रैल माई स्टम डेंजरस कतरा रिलीज हो रहा है थैंक यू